मुझे बहुत सारे आशीर्वाद मिले हैं मेरी ज़िंदगी में बचपन से लेकर आज तक, जैसे परमेश्वर हमेशा मेरे साथ रहे हैं, मेरी उंगली पकड़ कर चले हैं। गिन गिन के थक जाऊँ इतने आशीर्वाद, बट इन सब में से मुझे सबसे बड़ा आशीर्वाद क्या लगता है पता है? वो है आमीन, जिसकी वजह से आज मैं मदर्स डे इंजॉय कर सकती हूँ और दुनिया की सारी माओं को हैप्पी मदर्स डे एंड मिस यू मम्मी। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं और आमीन आज बहुत ही अच्छे से तैयार हो गए हैं सुबह सुबह में। आमीन क्यों हम तैयार हुए बेटा, बोलो। हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ यू। आज जब मैं वीडियो रखूंगी तब तक तो शायद आपका आधा दिन हो गया होगा। तो हम लोग मदर्स डे सेलिब्रेट करने के लिए जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए, और मैं और आमीन रेडी होकर यहाँ पर अर्पित की कर रहे हैं वेट, क्योंकि वो हमें लेने आने वाले हैं। अभी वो नौकरी पर है, नाइट ख़त्म कर कर आएंगे यहाँ पर मॉर्निंग में और हमें लेकर जाएंगे। व्हाट हैपेंड आमीन? दूसरों का खिलौना देख के मन ललचा रहा है तुझे, हैं हैं और अर्पित की वेट कर रही थी तो मुझे याद आया कि मैं आपको दिखा दूं। मैंने एक बार बोला था ना कि इस पर फूल आएंगे, तो मैं बताऊंगी कि इसको बॉटल ब्रश क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो बॉटल वॉश करने वाला ब्रश होता है ना, वो ये उसके जैसा दिख रहा है ये फ्लावर, उसकी वजह से इसको बॉटल ब्रश बोलते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स आने लगे हैं, आप देख सकते हो। अभी थोड़े टाइम में तो पूरे भर जाएंगे, देखो ये छोटी छोटी कलियाँ ऐसी होती है, और फिर उसमें से ऐसा ब्रश हो जाता है। अर्पित आ गए हैं अभी और हम लोग जाएंगे। हाय अर्पित, गुड मॉर्निंग, हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू अर्पित। आई मीन किदू हैप्पी मदर्स डे दे। हां हमने कहो ना। अभी हम लोग निकल चुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए, आमीन बैठ गया पीछे और भी ड्राइव कर रहे हैं और मैं वीडियो बना रही हूँ। फालतू पता है जॉब पे क्या हुआ आज? हाँ वो केंद्र है ना, केंद्र। हाँ तो मैंने उनको बोला क्योंकि उनके चार बच्चे हैं, एक दुबई में रहता है, दो न्यूकासल में और एक दो लड़की न्यूकासल में रहते हैं यहाँ से 400 किलोमीटर दूर, और एक लड़का रहता है वो यहाँ क्वींसलैंड में कहीं पे। तो मैंने बोला कि क्या ना तू और जील अकेले हो तो आप जील को ले जाने वाले नहीं हो कहीं पे? कहते क्यों? मैंने बोला कि मदर्स डे है तो क्या नहीं रहता पता है, वो थोड़ी ना मेरी माँ है कि मैं उसे ले जाऊँ। बट आमीन छोटा है तो आप ही ले जाओगे ना मुझे, आमीन कैसे लेके जाएगा, इसलिए आमीन को और मुझे, हम दोनों को आपको ही लेके जाना पड़ेगा। जब आमीन बड़ा होगा ना तब मैं उसे बोलूंगी चल मुझे लेके जा कर। अभी मैं और आमीन टेबल पर बैठ गए हैं, अर्पित ऑर्डर के लिए खड़े हैं, और देख सकते हो आप बहुत भीड़ है आज मदर्स डे की वजह से, कोई टेबल खाली नहीं है, हम दो जगह घूम कर यहाँ पर आए हैं आज। आई लव यू मम्मी and happy mother's day, miss you। वाह वाह वाह, ये उड़न मारो भाई। डियर अलकाबेन, कह रहे हूँ अभी हती अमेरिका फर्स्ट टाइम, कह रहे तो मेरी मम्मी ने चेक मारी देखरेख राखी हती, હંમેશા નાની નાની બાબતો તમે પૂછતી હતી અને તમે મને સરસ રીતે એનો હલ કરતા, એટલા માટે આજે મધર્સ ડેના દિવસે હું તમને વિશ કરું છું એન્ડ હેપી મધર્સ ડે। ये देखो इसे कहते हैं कि समय का सही उपयोग, कि हमने खाना ऑर्डर किया है ब्रेकफास्ट बेसिकली, और जब तक वेट करते हैं तब तक फालतू में सोचती है कि मैं सबको मैसेज कर दूँ, तो अभी रोजी है ना तो उसको भूख ज़्यादा लगेगी। ठीक है।
आमिर भी मुझसे बदलू अभी हम लोग कॉफ़ी क्लब से निकल रहे हैं और जा रहे हैं घर वापस। इतना बढ़िया सा मेरा फेवरेट नाश्ता अर्पित ने मुझे करवाया है तो मैं बहुत ही आज खुश हो गई हूँ। मेरी सुबह तो सुधर ही गई है तो पूरा दिन भी मस्त जाने वाला है। और अभी हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं। क्यों घर जाना है? तो घर ही जाना है ना, अब क्या करने का है? नहीं शॉपिंग करने ले जाना है तेरे को मदद से। अरे यहाँ से तो निकले, अब क्या शॉपिंग करना है? यहाँ पे दूसरी जगह पे चलते हैं अभी। नहीं नहीं कुछ शॉपिंग नहीं करना है मुझे तो। फिर मेरे को पूरी जिंदगी सुनना पड़ेगा कि मदर्स डे को मैंने तुझे कोई गिफ्ट नहीं दी। मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूंगी आपको। मुझे इतना बढ़िया सा नाश्ता मिल गया है ना, सावर दो ब्रेड मेरी फेवरेट ब्रेड है और एवोकाडो भी। तो तुझे शॉपिंग में नहीं जाना है? पक्का पक्का नहीं जाना है। श्योर श्योर अर्पित? मेरे को कभी सुनाएगी नहीं ये बता दे पहले। अर्पित ऐसा कभी सुनाया है? पहले ये बोलो तो सच में फिर क्यों ऐसे बोल रहे हो? चल शॉपिंग नहीं जाते हैं मगर ये ले तेरे लिए है। ये क्या है? Oh my God, अर्पित, wow, ये तो बहुत बढ़िया बात है। हम लोग घूमने जा रहे हैं। मैं तो अभी खुद से के मारे बोल भी नहीं पा रही हूँ अच्छे से। ये बता दो चलो आप ही कहाँ जा रहे हैं? वो अभी सुनो, जब घर जाने की बात कर रही थी तब आवाज कैसी थी? नहीं नहीं मैं कुछ नहीं कहूंगी, मैंने कभी कुछ कहा है? तो मैंने फाल्गुनी को क्या दिया है? ओवरसीज ट्रिप। यस बहुत ही बढ़िया है। हम लोग जा रहे हैं फुकेत जैसा इसमें लिखा है। ये टिकट बुक करवाई है। अभी कितने दिन बाकी है अर्पित हमारे? अभी करीबन 3 हफ्ते बाकी है। 3 हफ्ते? अच्छा तो 3 हफ्तों के बाद हम लोग जा रहे हैं फुकेत और बहुत ही बढ़िया वीडियो बनेगी। हाँ। ये है अपनी फ्लाइट टिकट है। हाँ? ये है होटल का एकोमोडेशन फुकेत में। हाँ? ये जिस दिन सिडनी जाना है ना हमें, हाँ? हाँ? उस दिन सिडनी एयरपोर्ट के पास में होटल करवाई है। फिर आने के बाद 2 दिन और सिडनी में रहना है। क्योंकि सिडनी में भी जाते तो फिर घूम के आते हैं। तो सारा कुछ डेट के वाइज अकॉर्डिंग टू मैंने कर दिया है बुकिंग। तो अभी पैकिंग करना शुरू कर देना। तेरे को 200 तो लगते हैं अभी। मुझे यूं फील हो रहा है, थोड़ा रिग्रेट हो रहा है कि मैंने शॉपिंग का गलत मना कर दिया। क्योंकि घूमने जाना है तो थोड़े बहुत कपड़े तो जरूरत पड़ेगी। देख भाई तूने मना किया है तो मैं दिल पर टाल नहीं सकता हूँ। तो अभी अपने जाते हैं घर पे। अच्छा कह रही थी हाँ तो अभी हमने बड़ा बहुत ही बड़ा ब्रेकफास्ट हो गया है, मुझे जो पसंद था वो खाना खा लिया, अभी हम जा रहे हैं घर पे। फिर से बोले थैंक यू सो मच अर्पित, इतनी बढ़िया सी गिफ्ट और मदर्स डे की इतनी बढ़िया सी गिफ्ट मिलती है किसी को तो वो तो मैं मेरा खुशी बयां नहीं कर सकती। आई एम सो हैप्पी, थैंक यू सो मच। और आमिन भी कितना हैप्पी हो गया है गाना गा रहा है। देखो कैमरा आता है ना तो चुप हो जाता है। जब कैमरा नहीं होता है तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया हरकतें करता है वो। अच्छा तो फिर अभी घर पे मिलते हैं। मम्मा हैप्पी मदर्स डे, आई लव यू, थैंक यू। आई बोल मम्मा, आई लव यू। तो अरे बीजू भी बोल दो चल आमिन तो। बाय बाय बोल, बाय बाय। वाओ सो क्यूट माय छोकरी। तो आमिन ने आपको बाय बोल दिया, उसका मतलब ये है कि मैं अभी करने जा रही हूँ वीडियो का एंड। और आई होप आज का वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। अर्पित आ गई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आप सबको हैप्पी मदर्स डे। और इसी के साथ हम ये वीडियो का कर रहे हैं एंड। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सबके साथ सब्सक्राइब करें। यस, अंकल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ।